इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत की 66% जनसंख्या युवा कैटेगरी में आती है। ये एक ऐसा वर्कफोर्स है जिसमें भारत को सुपर पावर बना देने की ताकत है। इसी वर्कफोर्स को इसकी पोटेंशियल तक पहुंचाने की ओर एक जरूरी कदम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY। साल 2015 में शुरू हुई ये योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो युवाओं को इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर से जुड़ी ट्रेनिंग देती है। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोश में। आज हम बात करने वाली हैं PMKVY के बारे में। क्या है ये योजना, इसके अंडर क्या क्या स्किल्स कवर की जाती है, इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, आगे चलकर इनसे पैसे कमाने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत ये योजना चलाई जाती है। ये योजना ट्रेनिंग बेस्ड है जिसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दैट इज STT और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग दैट इज RPL। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में नए कोर्सेज सिखाए जाते हैं, वहीं RPL में कैंडिडेट्स के पास पहले से मौजूद स्किल्स को सर्टिफाई किया जाता है। STT में जो लोग नए कोर्सेज सीखते हैं उनको प्लेसमेंट भी दी जाती है। अभी तक इसके तहत लगभग 54 लाख कैंडिडेट्स को सर्टिफाई किया जा चुका है और इनमें से लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट दी गई है यानी इनकी नौकरी लगी है। इनमें लगभग 3 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स भी शामिल है। STT का फायदा उठाने वाले लोगों में स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट और बेरोजगार युवा शामिल है। पूरे देश में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के सहयोग से ट्रेनिंग कैंपस चलाए जाते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे जुड़ सकते हैं आप इस कोर्स से। अगर आप भी कोई शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको स्किल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ जाकर आपको क्लिक करना होगा आई वॉन्ट टू स्किल माई सेल्फ ऑप्शन पर। इस पर आपको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी और पूरा फॉर्म ठीक से भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं इसकी जानकारी भी PMKVY की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। कौन सा कोर्स किस ट्रेनिंग सेंटर में है और प्लेसमेंट कहां कहां पर संभव है इसकी जानकारी भी इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ये सारी ट्रेनिंग्स फ्री होती है और चूंकि ये हाईली डिमांड में रहने वाली स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। 200 से 600 घंटे तक चलने वाली ये ट्रेनिंग सेशंस देश के हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग्स जिनको पूरा करके आप भी काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एयरलाइन कैबिन क्रू। अगर आपको ट्रैवल का शौक है और आप एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए है। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि कैबिन क्रू का काम सिर्फ यात्रियों को सर्व करना होता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं परे है। कैबिन क्रू हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्लेन से जुड़ी हर सिचुएशन को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट होते हैं। सिक्योरिटी से लेकर टेक्निकल जानकारी तक सब कुछ इन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। हाल फिलहाल के समय में डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल एयर ट्रैवल भी काफी बढ़ा है, तो ऐसे में कई एयरलाइन अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं। यही नहीं, अगर आप इस फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपको सालाना लाखों का पैकेज भी मिल सकता है। इसकी ट्रेनिंग लगभग 480 घंटों की होती है। शुरुआत में महीने की सैलरी 30,000 से 35,000 तक हो सकती है, उसके बाद 50,000 से 1,00,000 तक भी जाने के चांसेस है, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। दूसरा ऑप्शन है फैशन डिजाइनर। अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको लगता है कि आप फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में बेहतरीन काम कर सकते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए है। लगभग 720 घंटों की इस ट्रेनिंग में आप कपड़ों ही नहीं कलर थ्योरी, फैशन थ्योरी, फैब्रिक्स इत्यादि के बारे में सीखते हैं। इसके साथ ही आप कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन बनाना भी सीखते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आप महीने के 25,000 से 40,000 तक कमा सकते हैं। शुरुआत में आप किसी मशहूर डिजाइनर के साथ काम कर सकते हैं, वहीं बाद में आप अपना लेबल भी शुरू कर सकते हैं।
आपकी कमाई आपकी एक्सपर्टीज पर निर्भर करेगी, जो लाखों में जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का। आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि उनके बिना जिंदगी इमेजिन करना मुमकिन ही नहीं है। चाहे वो घर हो या लार्ज स्केल कंपनियां या फिर फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और मशीनरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई है। तो उनके रख रखाव, मेंटेनेंस और ठीक करने वाले तकनीकी जानकारों की डिमांड भी बढ़ गई है। लगभग 200 घंटों की इस ट्रेनिंग में आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट को खोलना, टेस्ट करना और उसे असेंबल करना सीखते हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद फायदा ये है कि आप कई तरह की इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। शुरुआती सैलरी 15,000 से 20,000 तक हो सकती है, लेकिन हर फील्ड की तरह इस फील्ड में भी आपका एक्सपीरियंस आपको काफी आगे तक ले जाने में सहायता करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सालों में आप अपनी कंपनी या दुकान खोलें। चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। आज के समय में ये स्किल इतनी ज्यादा डिमांड में है कि इसे सीखना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आईटी सर्विसेज की दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने जैसा है, फाउंडेशनल और बेहद जरूरी। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना होगा, सीखना होगा और उनको इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग लेनी होगी। लगभग 400 घंटों की इस ट्रेनिंग के बाद आप कई कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं और प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं। शुरुआती सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच हो सकती है, लेकिन नई स्किल सीखते रहने और अच्छे गाइडेंस में काम करने के बाद ये 50,000 से 1,00,000 तक भी हो सकती है। पांचवा ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइनर। ये एक ऐसा रोल है जिसमें टेक्निकल जानकारी के साथ साथ क्रिएटिविटी भी बहुत जरूरी है। यही नहीं, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर दिला सकती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर आर्ट्स और एंटरटेनमेंट तक की दुनिया में ग्राफिक डिजाइनर की काफी डिमांड है। लगभग 430 घंटों की इस ट्रेनिंग में आप कलर थ्योरी, सॉफ्टवेयर और डिजाइन टूल्स, लेआउट और टाइपोग्राफी के बारे में सीखेंगे। वेबसाइट विजुअल डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स और फोटो एडिटिंग भी सीखेंगे। शुरुआती सैलरी 18,000 से 25,000 तक हो सकती है, लेकिन ये 50,000 तक भी जा सकती है। अच्छा, अब तक ये जो मैं 200-300 घंटों की बात कर रही थी, घबराइए नहीं, ये ट्रेनिंग इतने घंटे तक लगातार बैठ कर नहीं होती है, कई हफ्तों और महीनों में होती है। घंटों का मतलब है कि टोटल इतने घंटों की क्लास होती है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने PMKVY के तहत कोई ट्रेनिंग की है और आपका एक्सपीरियंस उसमें अच्छा या बुरा रहा तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए जोश में। शुक्रिया।